भारत बंद को लेकर इंदौर में कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। इंदौर शहर रोज की तरह चलता फिरता नजर आया। एहतियातन क्या है शहर की सुरक्षा व्यवस्था, बता रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता हेमंत शर्मा। आज भारत बंद का आह्वान है हम इंदौर शहर में। इंदौर शहर आप देख सकते हैं कि बंद का आह्वान तो है लेकिन चलता फिरता नजर आ रहा है। कुछ दुकानें जो है सुबह से बंद है। शहर में कुछ स्थानों पर ज्ञापन भी दिए गए हैं ताकि इसी चीज को लेकर कि जिन जो मांगे हैं उनको संभाग आयुक्त पर ज्ञापन दिया गया, साथ ही कलेक्ट्रेट पर भी ज्ञापन दिया गया। हमारे साथ अभी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद है। सर, किस तरह का बंद के आह्वान को देखते हुए क्या इंतजाम किए गए हैं, शहर में कहाँ कहाँ पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया गया? सर्वप्रथम ये बताना चाहूंगा किसी ग्रुप से किसी उससे बंद का आह्वान फॉर्मल तौर पर नहीं किया गया था। सभी वर्गों से बातचीत भी की गई है तो किसी ने भी नहीं बताया, मात्र ज्ञापन देने की बात सभी ने बताया है। और यहाँ भी आप देखेंगे कि सभी जो मार्केट जो समय पे खुलती हैं वो सही खुल रही हैं, लोग का आना जाना लगातार चल रहा है, तो कहीं पर भी किसी प्रकार का बंद नहीं है। और काफी देखा गया है शहर के चौराहों पर किस तरह का डिप्लॉय है। बिल्कुल फोर्स हम लोग पूरी तैयारी के साथ है, कहीं पे अगर किसी प्रकार की परिस्थिति निर्मित होती है तो उससे निपटने के लिए पूरा फोर्स लगातार मौजूद है, लगातार राउंड पे ऑफिस पिकेट्स वगैरह भी लगे हुए हैं यहाँ पे। प्रशासन की बात की जाए तो सर धारा 144 भी लगाई गई है, किस तरह के इंतजाम आप लोगों ने किए गए बंद के आह्वान को देखते हुए? आज के बंद के संबंध में कोई औपचारिक आवेदन तो हालांकि प्राप्त नहीं हुए थे लेकिन व्हाट्सएप ग्रुपों में कुछ इस प्रकार के मैसेज थे। हमने पुलिस के साथ मिलकर के पर्याप्त संख्या में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस बल हमारा लगा हुआ है और जैसा कि आप देख रहे हैं स्थिति शांतिपूर्ण है। केवल एक जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ लोग जाकर के कमिश्नर ऑफिस पर शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देंगे, हमारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद। शहर में एक या दो स्थानों पर जरूर ज्ञापन देने की बात सामने आई है लेकिन कहीं भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना, किसी प्रकार के कोई न्यूसेंस यहाँ पर नहीं हुआ। कैमरा पर्सन